इस सांसों की आवाज जा रही है इसमें और बहुत ही सांस धीरे धीरे पूरा परिवार आई तो ये अपनी सांसें लाए तो इस सांसों की आवाज जा रही है भाई कैसे मैं पूरे कमरे में पानी बाहर के कमरे के बाहर पानी मेरा मुंह दिखा रहा है जो बुंद 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 राधा मोहन प्रभु हमारे बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं ये सबको दर्शन मुझे लगे चलो अच्छा गोदी बैठ लो हमारी जिस दिन जेल में था तो भेज दिए फोटो नहीं फोटो मंदिर घर बैठो बाबा फिर अच्छा ऐसे भी होता है मदन मोहन जी का ऐसी वो दूसरे का है घास पे चलना भी मान है खुद चल रहे हो ये कह रहा है वृंदावन ओल्ड है वृंदावन का भी ओल्ड होता अरे यहाँ दिखाओ यहाँ दिखाओ पूरा ये दिखाओ गोल्ड करके तो गोल्ड को रखते हैं ना बड़ा सेफ सारे थोड़ी देर बाद में बात करना ठीक है ये डिफरेंस है हाँ देखो इसके इधर सुना ये स्थान है ना इसका नाम है प्रस्कन्या तीर्थ है जैसे कृष्णा वहाँ कालियोदय में उन्होंने कालियानाग सर्ग पर उन्होंने नृत्य किया नृत्य करते करते पानी में बहुत समय तक पानी में रहे तो शरीर हो गया ठंडा हो गया तो कृष्णा यहीं पर आए जब कृष्णा यहीं पर आए इतने में जो सूर्य इसका नाम द्वादश आदित्य तिला मतलब सूर्य का जो द्वादश मतलब बार उन्होंने एक साथ में सूरज अपना बार कला को प्रकट करते हुए कृष्ण का शरीर हो गया ठंडा इसलिए उन्होंने शरीर को इसलिए ये स्थान है और ये मदन मोहन जी है यहीं पर मदन मोहन है
और ये जो ठाकुर जी यहीं पर थे सनातन गोस्वामी, पहले तो ये मदन मोहन रहते थे कहाँ पर, मथुरा में रहते थे। जब सनातन गोस्वामी रोज आते थे गिरिराज परिक्रमा करके, फिर दर्शन मदन मोहन थे कि चौबेन के घर में, चौबेन समझते हो, चौबेन जानते हैं हम लोग नहीं जानते, चौबेन में जो मथुरा में जो ब्राह्मण चौबे, चौबे मतलब जो चार वेद जानते हैं उनको कहते चौबे। इसलिए ठाकुर जी मतलब उनको अंदर में इतने प्रतिभावना, पहले इतने प्रतिभावना थे कि माता जी के अंदर में, उनका एक बेटा था जिसका नाम था सदना, और ये मदन मोहन ठाकुर स्वयं उनके घर में रहते थे। और वो सोचती थी मेरे दो लाला है, एक मदना, मदन मोहन को प्यार नाम से जैसे बच्चे बुलाते ना उसके लिए मदना, और अपना बेटे को कहते सदना, ये मेरे दो लाला है। और ऐसे उनके अंदर बात्सल्य भाव था, ऐसे बात्सल्य भाव कृष्ण स्वयं प्रकट होकर के उनके बच्चों के साथ में गुल्ली डंडा खेलते थे। सनातन गोस्वामी देखते थे कैसे श्री, एक समय उनके अंदर में बात रहा, जो हार जाएगा एक दूसरे को घोड़ा, एक दूसरा घोड़ा बनेगा। पहले बार हार गया सदना, कृष्ण बोले घोड़ा बन, सदना घोड़ा बना। अभी जो दूसरा बार खेल हुआ, खेल में कृष्ण स्वयं मदन मोहन हार गए। हैं भगवान भी हार सकते थोड़ी, लेकिन भगवान भक्तों का प्रेम ऐसे है ना, भगवान प्रेम से सब कुछ भगवान भूल जाते हैं, अपना भगवता को भगवान खो देते हैं। अभी हार गया तो बोले घोड़ा बन, कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण तो नटखट है, उन्होंने किया कि बोले मैं घोड़ा फोड़ा नहीं बनता, उन्होंने क्या किया जोर करके जो मंदिर था ना मंदिर के अंदर में चला गया, पुजारी था लेकिन पुजारी ये लीला नहीं दिख रहा था, लेकिन सनातन गोस्वामी ये लमंग बंजारी ये राधा रानी की दासी ये चीज़ देख रहे थे। उन्होंने पीछे भागे बोले सारे तेरा नंबर आया तो मेरे घोड़ा बना दिया, तो तेरा नंबर आया कल आओगे ना तेरे को हम छक्का छुड़ा देंगे, लेकिन पुजारी देख नहीं रहा था, पूछा भाई क्या भग भग भाग यहाँ से, तो भगा दिया। सनातन गोस्वामी ये देखा, फिर दूसरे दिन गए तो देखा खिचड़ी बना रहे, खिचड़ी कैसे बना रहे, जैसे दांतन कर रहे हैं इधर और दांतन को पीछे चला रही थी खिचड़ी, और कुछ कपड़ा भी स्नान की नहीं है, ऐसे ही ठाकुर को खिचड़ी खिला रही थी। सनातन गोस्वामी बोले ये क्या कर रहे हो भगवान, तुमको पता नहीं भगवान, और तभी वस्त्र भी त्याग नहीं किया उसी वस्त्र में, और तुमने अभी शौचक्रिया भी नहीं किया, दांतन कर रहे हो, रस निकल रहा है, पीछे से खिचड़ी चला रहे हो, क्यों मान रहे ना भगवान, ना भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तो भक्ति दो तरह का, एक है कि ऐश्वर्य और एक माधुर्य भक्ति, भगवान तो रागानुगा भक्ति के, वैधि भक्ति इनका तो राग भक्ति है। इसलिए राग भक्ति जैसे अगर बच्चा मचल जाए दूध पीने के लिए, मैया कभी सोचती है नहीं अभी स्नान नहीं किया बच्चे को दूध कैसे पिलाऊं, कभी सोचती है बच्चे को कैसे हम कैसे खाना के सोचते नहीं, क्यों बेटा है ना वो राग भक्ति है स्वाभाविक रूप में, इसलिए वो राग भक्ति में भक्ति कर रही थी। इसलिए सनातन गोस्वामी तो ये चीज़ को समझ नहीं पाए, लेकिन जब दूसरे दिन उन्होंने बोले बाबा कल से ठीक करूँगा, लेकिन पहले तो आटा जी बात में था नहीं, जंगल में शौचक्रिया में जाओ, यमुना में स्नान के लिए जाओ, यमुना तो दूर है, और वह शौचक्रिया स्नान करने के लिए गई, सनातन गोस्वामी सबरे आकर देखा ना भगवान रो रहे, और उनका बच्चा रो भैया मैया भूख लग रहा है, मैया भूख लग रहा है खिचड़ी खिला दे मैया, जैसे बच्चे उठने पर भूख लग जाती है ना भैया के कपड़े पकड़ कर भगवान रो रहे हैं। सनातन गोस्वामी बोले बाबा क्या भक्ति, आज पवित्र होकर के खिलाएगी, भगवान को सहन नहीं हो रहा है रो रहे, ऐसे कौन सा भक्ति जो भगवान को रोने दो, बोले भैया माता जी पहले जैसे करते ना ऐसे ही खिला, ठाकुर उसी में खुश है। और एक दिन गए तो ठाकुर जी बोले बाबा मेरे को साथ में ले चलो, बोले मेरे साथ में क्या करोगे, बोले तेरे साथ में रहूँगा, बोले क्यों यहाँ पर तो रोज़ रोज़ राबड़ी मालपुआ खिचड़ी और चकाचक भोजन कर रहे हो, मेरे साथ में तो सूखा रोटी और टिकिया खाओगे, टिकिया लाया 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 बोला हाँ, इसलिए कहाँ दिखा दो, देखो ये है बिना नमक के हैं, जैसे उसको गोला बना देते और कंडे में धर देते हैं वैसे नमक भी नहीं है, बोले ऐसे ठाकुर जी को कहते मैं तो ऐसे खाता हूँ, बोले बाबा जो खिलाओगे मैं वही खाऊंगा, लेकिन साथ में ले चलो, बोले उठा कर नहीं ले जाऊँगा, चल कर जाओगे, बोले बाबा चल के चल कर चले जाऊँगा। उन्होंने चल चल करके मथुरा से यहाँ तक आया ठाकुर जी, उन्होंने साधारण एक कुटिया बना करके एक पत्थर को पीछे लगा करके ठाकुर जी को यहीं पर खड़े कर दिए, और तो खिलाते हैं यही खिलाते रोज, एक दिन खाए दो दिन खाए तीन दिन में, बोले बाबा तू तो सब्जी देता ही नहीं यार, तो नमक तो दिया करो इसमें थोड़ा, बगैर नमक से गले से उतरता ही नहीं हैं, थोड़ा नमक दिया करो, बोले तेरे बाप का नला गया था तभी तेरा पेट नहीं भरता था, घर में चोरी चोरी कर खाता था, तुम्हें सब जानता हूँ, और आज बोलोगे सब्जी बोलोगे थोड़ा दूध ले आओ, फिर बोलोगे राबड़ी ले आओ, फिर मिठाई कहाँ लाऊंगा मैं, तो उस समय कोई घर भर था नहीं ना, किसी तरह से मथुरा से माधुगिरी लाता हूँ यहाँ पर खाता हूँ, भैया मेरे से नहीं होगा खाना तो अपनी आप व्यवस्था कर दे। देखो हम ठाकुर को कितना तरह तरह खाना खिलाते खिलाते कि नहीं, ठाकुर को भी बोलते हैं हमसे आज नमक क्यों नहीं हुआ, लेकिन सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, बोले कारण क्या है, कहता था हम भक्त ऊपर ही था स्नामी प्रजा,
भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम स्वयं जो मैं भक्ति प्रेचती, भक्त भक्ति पूर्वक जो देते हैं ना भगवान को खाना ही पड़ेगा। क्यों? वो लमग मंजरी है, भगवान को खाना पड़ रहा है तभी तो बोल रहे ना। हम तो बढ़िया बढ़िया खिलाते ठाकुर, बोलते नहीं क्यों? भक्ति नहीं है। पहले जब देखते पनीर का सब्जी ना, आज बढ़िया पनीर का सब्जी बना, क्यों? पहले तो खुद खाने की इच्छा होगी, खुद खाने की, ठाकुर को खाएंगे हम पता ना, ठाकुर थोड़ी खाएंगे। अगर ठाकुर दो चार दिन खा लिया ना, बोले ठाकुर जी ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर सब खा लोगे तो हम क्या खाएंगे। इसलिए ठाकुर जी खाते हैं, बोले तुम व्यवस्था कर दो। बोले एक बहुत बड़ा बिजनेस मैन था, पहले तो यमुना यहीं पर बहती थी, बड़ा गहरा यमुना थी, अभी तो धीरे धीरे पानी को पंजाब तरफ में ले लेते ले लेते, इसलिए गहरा यहीं पर यमुना बह रही थी और बह रही थी। तो एक बहुत बड़ा कृष्णदास कपूर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त था, वो ले जा रहा था जहाज में बहुत सारी चीज, बड़ा नाव में, ठाकुर जी यहीं पर रेती में लगा दिया, रेती में लगा दिया तो रस से मसे नहीं हो, इतने में बड़ा दुखी, क्या करे क्या करे। कृष्ण स्वयं मदन मोहन बालक बने करे, बोले बाबा क्या हो गया? बोले ऐसे ऐसे, बोले देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छे संत रहते हैं, कहते ना जो ना करे लकड़ी सो करे फकरी, हैं जो ना करे लकड़ी सो करे फकरी, समझ रहे कि नहीं? जो भाग्य नहीं कर सकता है वो साधु कर सकते हैं, इसलिए तो साधु के पास में जाते हैं। बोले यहाँ पर एक बाबा रहते हैं, भजन करते हैं, उनका आशीर्वाद होगा ना सब ठीक हो जाओ उनको। देखो संतों के पास में खाली हाथ से नहीं जाते हैं, थोड़ा सा नमक है ना, थोड़ा नमक लेकर जाया करो, क्यों बगैर नमक के खिलाते हैं, बोले थोड़ा नमक लेकर जाया करो, नमक लेकर के आए। सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे, प्रणाम किया, बोले बाबा क्या सेवा करूँ? बोले मेरा नाव चरा में लग गया, हट नहीं रहा है। बोले तेरे को पता चला मैं यहाँ पर जंगल में, बोले वहाँ पर एक काला सा छोटा सा बालक बोला यहाँ पर कि बाबा भजन कर रहे हैं और खाली हाथ से मत जाओ, नमक लेकर जाओ। वो समझ गए, नमक नमक खाने का चक्कर से नाव लगा दिया और मेरे को बहाना बना दिया। देखो ठाकुर का यहाँ मंदिर नहीं ना, ठाकुर का खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा है, मैं तो संत आदमी कहाँ से खिलाऊं, इसलिए मैं तो ठाकुर को खिला नहीं पाता हूँ। इसलिए ठाकुर तेरे से सेवा लेने के लिए उन्होंने लगा दिया, जो बच्चा और कोई नहीं मदन मोहन, जाओ ठाकुर जी से प्रार्थना करो। बोले ठाकुर जी नाव चले जाए, जितना प्रॉफिट होगा जो कुछ होगा तेरा मंदिर बना दूंगा। वो भक्त था और उस बार उसको इतने लाभ हुआ, इतने उसको लाभ हुआ, कभी इतना लाभ ही नहीं होता था। सारे पैसा ला करके उन्होंने विशाल मंदिर बना दिया, गौशाला बना दिया। बोले ठाकुर जी अभी चकाचक खाओ, अभी मैं जा रहा हूँ भजन करने के लिए। इसलिए ये सब स्थान है, यहीं पर ठाकुर जी भक्तों को साथ में बड़े प्यारी प्यारी मीठे मीठे ठाकुर जी यहीं पर उन्होंने लीला की है। बोले से मदन मोहन लाल जय। सनातन गोस्वामी पाद की, वो पेड़ी मिलेगी सबको। भगवान कैसे खाते थे, तोड़ तोड़ करके करता है, इधर तोड़ तोड़, अब आप आपस में से तोड़ कर दे दो, इसमें तुम तोड़ कर दो, तो तोड़ उसको, तोड़ लो लो, तोड़ तोड़ कर दो, उसको तोड़ तोड़ कर दो, टूट नहीं रही भैया। लो जगन्नाथ जी, आप भी जगन्नाथ जी को लगाना है जी, ये वो कोशिश करके जी। प्रभु जी 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 प्रभु जी, जो भी तो नमक का जहाज आया था, अनिको इतना नमक का जहाज यहाँ पे क्या है? ये कौन कहाँ पड़ी? यहाँ पे क्या है? फोटो नहीं, फोटो नहीं हटाओ, फोन मत चलाओ ना। Thank you.
मैं तो नंगा हूँ रोक के चलो ना फिर चलो धीरे अब कहाँ जा रहे मुझे तो लेकर चलना प्रसाद तो मिलेगा ही 9 बज के आज प्रसाद तो मिलेगा नहीं आज बट में अच्छी बात है यहाँ आए तो थोड़ा सा व्रत तो कर लो चलो पुरुषोत्तम आशी सारी रात होगी व्रत करते हुए रात में तो जल्दी करते हैं नहीं दम तो आज खुलेगा मैसेज आ गया हाँ मैसेज आ गया हाँ आप मैसेज आया 9 से 11 खुलेगा सुबह हाँ आज और 5 जने जाएंगे एक बार भाई को हुआ है।